नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद पुलिस ने भुना इलाके से पकड़ी 1 किलो 100 ग्राम अफीम। मध्य प्रदेश से अफीम लेकर आया था तस्कर, फतेहाबाद में करनी थी सप्लाई। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। फतेहाबाद के भुना इलाके से पुलिस ने 1 किलो 100 ग्राम अफीम बरामद की है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से ये अफीम तस्कर ला करके फतेहाबाद में सप्लाई करनी थी। भुना इलाके में मॉडल टाउन का रहने वाला है नशा तस्कर, जिसका नाम कुलदीप सिंह है। आरोपी से पूछताछ में जुटी है पुलिस। पकड़ी गई अफीम की बाजारी कीमत 2 लाख के करीबन बताई जा रही है। वहीं आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर अजय कुमार ने बताया कि आरोपी कुलदीप पॉलोथीन लिफाफे में अफीम लेकर पैदल जा रहा था। शक होने पर पुलिस ने कुलदीप की तलाशी ली तो उसको मौके पर 1 किलो 100 ग्राम अफीम बरामद हुई, बाजार में जिसकी कीमत 2 लाख के लगभग बताई जा रही है। आरोपी की आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने उसे रिमांड पर भेज दिया। अब पुलिस के द्वारा आरोपी से तस्करी को लेकर के अन्य जानकारी भी जुटाई जाएगी। अब देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। ये कुलदीप सनो फातमा राम है, नडोड़ी का हाल मॉडल टाउन है। इसके पास हम गश्त पर गए हुए थे, ये अपने हाथ में थैला लेकर वहाँ सीधा जाता, तो हमने अपने इसको रोका, इसको चेक किया तो इसका हमें शक हुआ भाई मादक पदार्थ इसके पास। तो हमने फिर डीएसपी साहब को बुलाया, डीएसपी साहब के सामने इसको चेक करवाया तो इसमें अफीम निकली। जो क्वांटिटी तोली गई तो 1 किलो 100 ग्राम हुई। ये इसने बतलाया कि मैं मध्य प्रदेश से लेता हूँ। कहाँ लेके जा रहा था जी? ये अपने घर लेकर जा रहा था। तो क्या कार्रवाई की गई पुलिस की ओर से फिलहाल? फिलहाल इसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया है NDPS एक्ट, और अब आगे कार्रवाई शुरू करेंगे। तो कितनी कीमत है बाजारी जो अफीम पकड़ी है? लगभग 2 लाख रुपए। तो कहाँ सप्लाई करता था, ये कोई जानकारी है सर इसकी? अभी तो पूछताछ करेंगे, रिमांड मांग रहे हैं, रिमांड मिल जाएगा उसके बाद पूछताछ। तो पहले भी कोई इस पे कोई NDPS का कोई मुकदमा? पहले NDPS का कोई मुकदमा नहीं है इसका, 307 का इसके ऊपर पहले मुकदमा है। कहाँ से कैसे ला रहा था और कहाँ इसकी छुपाई हुई थी इसने? ये बैग के अंदर लिए हुआ था, थैले के अंदर, एक प्लास्टिक का थैला था, उसमें लेके आया आ रहा था पैदल। क्या नाम है जी आपका? सब इंस्पेक्टर देखिए।